हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ क्रीमी राजमा रेसिपी, मसाला राजमा रेसिपी भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, ये कितना क्रीमी लग रही है देखने में, और खाने में भी एकदम ढाबा स्टाइल राजमा ही बना था जो आप लोग ढाबे में खाते हो राजमा मसाला, तो सेम टू सेम ही बना था। आप लोग घर में ऐसे राजमा कैसे बना सकते हो, इसका रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग तो इसका लुक देख ही रहे हो कितना अच्छा आया है, और मैंने ये घर पे ही बनाई हूँ, तो इसका फुल रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। जो मेरा न्यू फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले मैंने राजमा को नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल देके बॉईल किया है। मैंने इसमें 4 सीटी लगाई थी राजमा में। ये देखिए कितना अच्छा नरम हुआ है। अब इसको थोड़ा मैश कर देना है ऐसे ही। तो मैं ये इसकी मदद से ही थोड़ा मैश कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे करने से मैश हो जाती है और ऐसा थिकनेस आ जाती है। आधा मैंने मैश कर दिया, आधा इसमें साबुती है। और कढ़ाई मेरा गर्म हो गई है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 चम्मच व्हाइट ऑयल और 1 चम्मच घी। और इसमें मैं डालूँगी साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता और जीरा। मसाला को थोड़ा सॉटी होने के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने काट लिया है 1 बड़ा साइज का प्याज। अगर बड़ा साइज का नहीं है तो 2 प्याज आप लोग लेना मीडियम साइज हो तो, और 1 टमाटर और 2 हरा मिर्च। और यहाँ पे मेरा पहले से रेडी है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और क्रीम। फर्स्ट मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो प्याज मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, तो इसको चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रही है, और इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रही है। राजमा के लिए हमें मसाला चाहिए, तो जीरा पाउडर, काला मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने छोले मसाला लिया है, और लिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर, और यहाँ पे स्नोप पाउडर, और ये कसूरी मेथी। तो प्याज देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन कलर हो गई है। अब मैं टमाटर और हरा मिर्च इसमें डाल दूँगी। गैस की फ्लेम मेरा मीडियम पे ही है, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा नरम हो जाने के बाद इसमें देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो न्यू फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में दी हुई बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो दूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। तो अभी मैं मसाला डाल रही हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाला, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। ज़्यादा मसाला नहीं देना है इसमें। दे दिया थोड़ा सा 1/2 चम्मच, छोटा चम्मच का 1/2 चम्मच छोले मसाला, ये सारा छोटे चम्मच का ही दे रही हूँ। और छोटे चम्मच का 2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला, क्योंकि मुझे अच्छे कलर चाहिए और तीखापन भी नहीं चाहिए। और 1/2 चम्मच स्नोप पाउडर भी मैंने डाल दिया, और इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। कसूरी मेथी भी दे दिया 1/2 चम्मच। हल्दी डालना है, हल्दी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला, और नमक स्वाद अनुसार ही डालना है।
मसाला देखिए धीरे धीरे फ्राई करने से कितना अच्छा फ्राई भी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच क्रीम, एक बड़ा चम्मच क्रीम हमें इसमें ऐड करना है। ये देखिए मसाला मेरा फ्राई हो गई है, देख के ही पता चल रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक बड़ा चम्मच क्रीम। इसमें क्रीमीनेस अच्छी आती है राजमा में, तो इसीलिए आप लोग चाहे तो बाजार का क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, मैं घर का क्रीम ही इसमें यूज़ किया। तो क्रीम को भी अच्छे से मिला देना है। ये देखिए कितना सुंदर क्रीमीनेस आ रहा है मसाला में, कितना अच्छा ग्रेवी मेरा बनके रेडी है राजमा के लिए। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी राजमा, मेरा जो बॉईल किया हुआ राजमा है मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए राजमा मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने अलग से पानी ऐड नहीं किया, मैंने राजमा बॉईल की टाइम ही जितना पानी चाहिए था मुझे वो मैंने ऐड कर दिया था। तो ये देखिए इसमें थिकनेस आती है, तो क्रीमी राजमा में ऐसे थिकनेस थोड़ा अच्छी लगती है। और आप लोगों को अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन गर्म पानी ही ऐड करना, ठंडा पानी इसमें ऐड मत करना, तो टेस्ट सही रहेगा। और ये देखिए एकदम ढाबा स्टाइल राजमा मेरा बनके रेडी है। आप लोग भी सेम टेस्ट चाहते हो तो सेम प्रोसेस से घर में ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना आप लोगों को राजमा कैसे बना था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला दे दिया और मैं यहाँ पे एक चम्मच घी भी ऐड कर दूंगी टेस्ट इंक्रीज़ के लिए। तो इसको भी मिला देंगे और ये राजमा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और ये एक सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर से मैं क्रीम डालूंगी, आप लोग चाहे तो इसके ऊपर से क्रीम डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। तो ये मेरा राजमा रेडी है, इसको चावल रोटी किसी के साथ भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में निकल लिया और इसके ऊपर से थोड़ा क्रीम देके इसको सजा लिया है। इसके ऊपर से आप लोग धनिया, हरा धनिया की पत्ता या हरा मिर्च कुछ भी देके डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया का पत्ता डाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने चावल के साथ भी सर्व किया है, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए।